आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सवाल आया एक भाई का कि अगर एक मुसलमान को ये चीज़ मालूम ही ना हो कि वो जो कर रहा है वो शिर्क है, तो क्या उसकी अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देंगे। देखिए, कानून तो ये है दुनिया का, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज़। कानून से अदम वाकफियत कोई उज़र नहीं है। कानून तो फिर पड़ता है, लगता है, लागू होता है, आयद होता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है। वो हर शख्स से उसके अपने हालात के एतबार से हिसाब लेगा, किन हालात में पैदा किया गया, जीन्स इसको दिए गए थे, किन हालात में वो पला बढ़ा है, इसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या थे, फिर ये कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि इसे दीन का पैगाम पहुँचाएँ उन्होंने कोताही की, और अगर इसकी वजह से ये लाइलम रहा, उसने बात को नहीं समझा, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला नरमी फरमाएंगे। बाकी ये कि बख्शिश या सज़ा देना, ये अल्लाह का इख्तियार मुतलिक है, हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला चाहें अबू जहल को बख्श दें, आप एतराज़ नहीं कर सकते। अपनी मखलूक का जो चाहे करे, अल्लाह ताला किसी नेक से नेक आदमी को जहन्नुम में डाल दें, वो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अपनी बकरी आप चाहें जब चाहें ज़िबा करें, अपने ग़ुलाम को आप चाहें कत्ल कर दें। हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला अदल करेंगे, इंसाफ करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर कोई पाबंदी किसी की नहीं है। तो मैं यहाँ सिर्फ़ यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हर शख्स के ज़ाती हालात के अतबार से मुहासबा करेंगे, और यकीनन इग्नोरेंस जो है उसके यहाँ एक एक्सक्यूज शुमार होगा। अल्लाह अज़्ज़ोजल हम सब को दीन में इस्तकामत दे और आखरत में कामयाबी दे। वाखरु दवाना।